तो वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पहले टॉपिक लेंगे आपको वर्क, ठीक है। पहले हम लोग कौन सा लेंगे टॉपिक जी, वर्क लेंगे। तो वर्क का हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कह सकते हैं जी, कार्य कहते हैं। अगर बात की जाए गुणनफल के लिए, तो देखिए मैं आपको बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को मैं बात बता देना चाहता हूँ। गुणनफल आप फिजिक्स में अगर वेक्टर स्केलर वेक्टर दो क्वांटिटी होते हैं, तो दोनों के लिए स्केलर के लिए एक होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। वेक्टर के लिए क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट, और वहीं बोल रहा है अदिश गुणनफल है जी। क्या है ये, अदिश गुणनफल है। मतलब स्केलर का मतलब क्या होता है, एफ डॉट एस हो जाएगा। अगर यही वेक्टर क्वांटिटी रहता तो क्या होता है, एफ क्रॉस एस होता, ठीक है जी। इसको डॉट है अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एस मल्टीप्लाई है मतलब कॉस थीटा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे जी, एफ गुना एस, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा यहाँ भी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। तो हम इस तरह लिखते हैं, तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। ये अदिश गुणनफल है, ये सदिश गुणनफल है, ये क्या है जी, अदिश गुणनफल है, ये क्या है, सदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमको दो गुणनफल पता चला। वहीं बोल रहा है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं जी, कार्य कहते हैं। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस। वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस। तो ये क्या है, गुना है, एफ गुना एस कॉस थीटा। क्योंकि क्या है, डॉट का मतलब क्या होता है जी, डॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमको कॉस लगाना है, ठीक है। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात की जाए, इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स, ठीक है जी। जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस के बीच का क्या है जी, एफ और एस के बीच क्या है, एंगल है। डब्ल्यू का अगर देखिए, अगर आपने इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को भी जाकर प्लेलिस्ट में जाएं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप वहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाएंगे तो आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। हमने उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया है, वहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अब हमने क्या बताया था उस समय, किसी भी एसआई मात्रक निकालने के लिए हमको क्या जरूरत है, फोर्स की क्या जरूरत होती है जी, फॉर्मूला की जरूरत होती है। कि हम लोगों को जब भी किसी भी एसआई यूनिट निकालना रहता था, एसआई यूनिट निकालना रहता तो हम लोग क्या करते थे जी, एसआई यूनिट निकालने के लिए हम लोग पहले उसका फॉर्मूला लिखते थे। पहला क्या लिखते थे जी, फॉर्मूला लिखते थे, उसके बाद उस फॉर्मूला में जो जो क्वांटिटी आता था उसका एसआई यूनिट लिखते थे। तो ऐसे क्या जी, वर्क का यहाँ पे एसआई यूनिट निकालना है, एसआई यूनिट निकालना है तो क्या करेंगे, वर्क का हमको फॉर्मूला क्या पता है, एफ एस, ठीक है जी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है कॉस थीटा होता है। तो अब देखिए एफ का क्या होता है जी, एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, क्योंकि हम एफ का डायरेक्ट नहीं जानते हैं एम के सिस्टम, तो क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में लिखेंगे एस कॉस थीटा। अब देखिए एम क्या है जी, केजी क्या होता है, मास है, मास का क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस क्या है जी डिस्टेंस है, एस क्या है जी डिस्टेंस है, तो मीटर होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा जी, केजी ये मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर एस माइनस टू। तो क्या मिला हमको, वर्क का एसआई मात्रक क्या मिला हमको, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस में मिला, ए एम के एस सिस्टम में मिला, किस में मिला जी, एम के एस सिस्टम में मिला हमको। अगर एसआई यूनिट पूछा जाए, एसआई यूनिट पूछा जाएगा बल का, तो क्या हो जाएगा जी, न्यूटन होगा, क्या होगा, न्यूटन होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो निकाला एम के एस सिस्टम में क्या है जी, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वर्क का और क्या होता है, दूसरा यूनिट जूल भी होता है। अगर बात किया जाए सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में जो आपको ग्राम है वो क्या हो जाएगा, जो केजी है वो ग्राम हो जाएगा, मीटर है वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड ही रहेगा। तो वर्क का क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए ग्राम और मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस टू और सेकेंड माइनस टू, क्या हो जाएगा वर्क का एसआई यूनिट सीजीएस सिस्टम में यूनिट हो जाएगा जी। तो हमने क्या कौन सा सीखा, एक एम के एस सिस्टम सीखा, दूसरा कौन सा, एसआई यूनिट और
तीसरा सीजीएस सिस्टम, हमने ये सभी डिस्कस कर रखा है। आप एसआई यूनिट जो यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक है आप वहाँ पे जाएं और उस सबको पढ़ें। चलिए अब बात करते हैं कि कन्वर्जन भी होता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जूल बराबर 10^7 अर्ग होता है जी। क्या होता है? 10^7 अर्ग होता है। अर्ग ERG इंग्लिश में लिखते हैं और अर्ग इसे हिंदी में लिखते हैं। कार्य अदिश राशि होता है। अर्ग किसका है जी? कार्य का यूनिट है। किसका यूनिट है जी? तो कार्य का यूनिट है। ठीक है जी। अगर बात की जाए कार्य का क्या है जी? यूनिट अर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करें जी? कार्य के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे जी? एग्जाम्पल हम लेंगे और उसको क्या करेंगे, जो कार्य के जो भी एग्जाम्पल्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है, यदि कोई कुल्ली अपने सिर पर बोझ उठाकर क्षैतिज दिशा में चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है। देखिए अब बताइए, अगर कोई कुल्ली है, मान लीजिए कुल्ली है, वो क्या किया, अपना एक बोझ उठाया और वो इधर चल दिया। ठीक है जी, वेट उठाया और इधर चल दिया। लेकिन अब बताइए ग्रेविटेशन किधर लग रहा है जी? पृथ्वी जो अर्थ है, जो अर्थ है उसको इधर फोर्स लगा रही है, तो फोर्स का डायरेक्शन ए है और ये किधर जा रहा है इसका? एस इधर है। ठीक है जी। तो अगर वर्क निकालना होगा तो वर्क बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, एफ का वैल्यू मान लीजिए कुछ है, एम जी है जो वेट लिया है उसका। कौन सा जी? कुल्ली वाला एग्जाम्पल ये था। उसमें क्या था कि जब कुल्ली क्या करता है जी? जब कुल्ली अपना बोझ उठाकर, कुल्ली कुल्ली क्या करता है? अपना बोझ उठाता है और क्या है, वो जो ग्रेविटी वर्क फोर्स इधर लगा रही है, ग्रेविटी अपना फोर्स किधर लगा रही है? नीचे की तरफ लगा रही है। जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी जो पृथ्वी के द्वारा जो काम किया गया वो क्या आया था? जीरो आया था, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो गया था? 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ से क्या पता चला जी कि वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल। तो वहीं लिखा हुआ है कि यदि कोई कुल्ली अपने सिर पर बोझ उठाकर क्षैतिज दिशा में चलता है तो जो ग्रेविटी द्वारा काम किया जाएगा, जो अर्थ द्वारा काम किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा जी? जीरो हो जाएगा। तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है जी? 90 डिग्री है, इसीलिए क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर अगला एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का लगाता है और विस्थापन नहीं होता है, अथवा एस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखिए अब हमने फॉर्मूला में क्या क्या पढ़ा है? फॉर्मूला हमने पढ़ा है वर्क बराबर क्या होता है जी, ये सॉरी, वर्क बराबर एफ एस का मोड कॉस थीटा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। और तो चलिए हमने वर्क का फॉर्मूला लिखा, वर्क बराबर क्या होता है? एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉस थीटा, यानी इसका परिमाण और इसका परिमाण लेना है, मल्टीप्लाई करना है और उसका कॉस थीटा, ये एंगल बिटवीन, जैसे मान लीजिए एफ ये मेरा एफ वेक्टर है, ये मेरा एस वेक्टर, इसके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो हम क्या लेंगे? इसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को लेंगे। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला आया ए एफ एस कॉस थीटा। अब मान लीजिए, अब वर्क कब कब जीरो हो सकता है जी? अगर मान लीजिए एफ की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? वर्क जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पे एफ जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल क्या हो जाएगा? वर्क मेरा जीरो हो जाएगा। अगर बात की जाए एस अगर जीरो हो जाए, यहाँ पे एस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल क्या हो जाएगा जी? वर्क मेरा जीरो हो जाएगा। बात की जाए अगर इसके बीच जो थीटा है अगर 90 हो जाए तो कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 जीरो होता है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो सकता है। तो वर्क कैसे कैसे जीरो हो सकता है? या तो एफ जीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए विस्थापन, या उनके बीच का एंगल क्या है जी? 90 डिग्री हो जाए। तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तीनों केसों में वर्क जीरो हो रहा है। अगर बात की जाए कुल्ली वाले केस में क्या था जी? ये एंगल 90 था। ठीक है। अब मान लीजिए, अब बात कर रहा है दूसरा एग्जाम्पल, हमको बात कर रहा है, कौन सा एग्जाम्पल ले रहा है जी? अब बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति दीवार पर धक्का लगाता है तो विस्थापन नहीं होता है। अब देखिए एस जीरो कर दिया, विस्थापन ही नहीं होगा तो क्या होगा जी? एस जीरो हो गया, विस्थापन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एस जीरो हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जब अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है जी? बोल रहा है किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो विस्थापन नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है जी? एस जीरो हो गया। जैसे ही एस जीरो हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि इसके व्यक्ति द्वारा कार्य जो किया गया होगा शून्य हो गया। अब बात करते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, अब किसका है जी? एफ। एफ जीरो कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए किसी पर फोर्स ही नहीं लग रहा हो, क्या मतलब? बोल रहा है कि एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। बोल रहा है कि 100 kg का बोझ लेकर अगर कोई व्यक्ति कई वर्षों तक खड़ा रहता है
तो क्या है जी, खड़ा रहता है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा जी, शून्य होगा। तो एस जीरो है इसमें। यदि कोई व्यक्ति इमारत पर चढ़कर उतर जाता है तो एस होने के कारण किया गया कार्य शून्य होगा। देखिए अब ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा जी, डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो विस्थापन जैसे ही जीरो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। तो हम अगले नोट पे आते हैं। अगले नोट पे बोला है किए गए कार्य का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है, क्योंकि देखिए और फॉर्मूला में हमारे पास कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 तक होती है। तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। इसलिए बोल रहा है क्या हो सकता है, तीनों हो सकता है। घर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण बल क्या करता है जी, हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट में वर्क करता है। इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, कार्य हमेशा ऋणात्मक हो जाएगा। जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होता है तब बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि कॉस जो होता है 0 से 90 डिग्री में पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा जी, मान लीजिए 0 से 90 डिग्री, यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू अगर थीटा 0 से 90 डिग्री लेंगे तो कॉस थीटा क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव आएगा। तो फोर्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो बात वही हो रहा है कि अगर फोर्स कब आएगा पॉजिटिव, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, यानी उनके बीच एंगल का कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, 0 से 90 वेरी करेगा, तो भी क्या हो जाएगा, वर्क क्या आ जाएगी, धनात्मक आएगा। अब बोल रहा है बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, बल और विस्थापन क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में है। जैसे यहाँ पे एफ और एस क्या हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी थीटा क्या हो जाएगा जी, मान लीजिए यहाँ ये 90 डिग्री है, बल यहाँ मेरा एफ है, ये मेरा एस है, तो इनके बीच का एंगल क्या है जी, थीटा क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और लेस देन क्या हो जी, 180 हो। ऐसे कोई भी एंगल होगा तो क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा जब नेगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे जी, कि यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तथा बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, यानी जो एंगल है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री या लेस देन 180 डिग्री, देन द प्रोडक्ट विल बिकम नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दैट द वर्क इज नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे केवल नोट करने के लिए क्या लिखा है कि बल और विस्थापन क्या है, विपरीत दिशा में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बल और विपरीत क्या, विपरीत दिशा में ना होकर 90 डिग्री, यानी उनका एंगल क्या हो जी, 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा, तो भी क्या होगा, वर्क नेगेटिव आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग देखिए जनरलाइज पढ़ना चाहते हैं, हम लोगों को जनरलाइज ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि किसी को जो आपको एसपीडी और प्लेटफॉर्म वाले बुक में यही प्रॉब्लम है कि केवल उसी पॉइंट को नोट करते हैं जो पूछा जाता है। लेकिन आजकल क्या हो जाए, ट्रेंडिंग पैटर्न है जी, चेंज जो हो रहा है ट्रेंड, और आपको वेरिएबल के टर्म में भी पूछा जा सकता है। बात की जाए किसी बल द्वारा सर्वाधिक कार्य जब विस्थापन बल की दिशा में हो, बोल रहा है सर्वाधिक कार्य कब होगा। अगर देखिए अगर मान लीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू लाना है हमें, वर्क बराबर क्या होता है जी, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब एफ तो मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, एस का मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो जब थीटा क्या हो जी, मैक्सिमम हो, तो कॉस थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो जब 0 होगा एंगल क्या हो जाएगा, 0 होगा तो मैक्सिमम वर्क होगा। इसका मतलब जो एफ है इधर है और एस भी क्या हो इधर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा मेरा 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये हमको जरूरी है कि एफ और एस क्या हो, एक डायरेक्शन में हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्य क्या मिलेगा जी, मैक्सिमम मिलेगा। वही बोल रहा है किसी बल द्वारा सर्वाधिक कार्य इक्वल टू तब होगा जब विस्थापन और बल की दिशा क्या हो, सेम हो, विस्थापन में ही क्या हो, बल की दिशा हो। तो यहाँ देख सकते हैं हमें जनरलाइज फॉर्म में पढ़ना है, हमें एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में। हमने जो न्यूमेरिकल किया था, देखिए अब न्यूमेरिकल हम जो करेंगे, इस न्यूमेरिकल का यूज भी हमको क्या करना पड़ेगा जी, प्रीवियस जो न्यूमेरिकल हमने किया है उसका भी हेल्प लेना पड़ेगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज में, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज में 30 डिग्री कोण पर आरोपित होता है और विस्थापन 10 मीटर का होता है, तो किए गए कार्य का मान बताएं। क्वेश्चन बोल रहा है हमको, क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु है जो बल क्या है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एफ बराबर क्या है जी, 10 न्यूटन, क्षैतिज
से 30 डिग्री पर आरोपित है। ये इधर नहीं लग रहा है जी, 30 डिग्री का बनाइए। यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ठीक है जी, और ये डिस्प्लेसमेंट हो आपको क्षैतिज में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए जी, 10 मीटर हो रहा है। तो यानी एस की वैल्यू क्या है, 10 मीटर, फोर्स का वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन है। और बोला है किए गए कार्य का मान बताया। तो देखिए, हमने जो भी SI यूनिट में पढ़ा था उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्क का निकालना है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो जूल में होता है, तो हमने सबका SI यूनिट रखना है। तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला पहले लिखेंगे, Fs cos थीटा। एफ का वैल्यू किस में लेंगे जी, न्यूटन में लेंगे। एस का वैल्यू किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। SI यूनिट में लेंगे तो ही आंसर किस में आएगा, SI यूनिट में आएगा। तो यहाँ सब समझ सकते हैं, एफ के वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन, और एस की वैल्यू क्या है जी, 10। इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा लाए 30 डिग्री है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है जी, √3/2 होता है। तो ये 100 × √3/2 इस 50 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50√3 आंसर। ये क्या है, जूल में हो जाएगा, क्योंकि वर्क का क्या यूनिट होता है जी, जूल होता है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हमको जो यूनिट एंड डायमेंशन मैंने जो पढ़ाया है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित है, क्या जी, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य का मान बताएं जी। बोल रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु है, 5 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, कितना जी, एफ है 5 न्यूटन का। वह वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापन होती है, बल की दिशा में कितना हो जाएगा, एस बराबर क्या है जी, 10 मीटर है। तो किए गए कार्य का मान बताया, वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा जैसे 0 होगा, एफ का मान क्या है जी, 10, एस का मान 5 है, सॉरी एफ का मान 5 न्यूटन है, एस का मान क्या है, 10, कॉस 0 क्या होता है, 1, तो क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन बनाना क्या है, फॉर्मूला में सब कुछ फिट करना है। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एंगल बिटवीन एस एंड एस, एफ एंड एस एंगल किसके बीच क्या होता है जी, जो हमारा बल होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बीच होता है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हमको वर्क पे कैलकुलेशन करना है जी। न्यूमेरिकल अगर बनने के चांसेस भी हैं तो आपको इधर से ही है, जो साइंस बेसिक साइंस है उसी से न्यूमेरिकल बनने के चांस है, क्योंकि आपको भी पता है किसी भी T21 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, यही इसी में आपको ये बना रखा है, दिखा रखा है, अगर 0 डिग्री रहे या 180 रहे तो उसकी वैल्यू क्या होगी जी, कॉस 0 डिग्री कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है जी, 1 होता है। तो इसलिए आंसर दोनों के किस्म क्या होगा, सेम ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 मिनट में बोल रहा है कि 200 जूल कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, तो उसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा कार्य महत्तम होगा। देखिए जी, बोल रहा है एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, तो किसके द्वारा कार्य महत्तम होगा, जब ये भी 200 जूल का ही काम करता है, 10 मिनट में करता है, ये भी कितना जी, 20 मिनट में सेम कार्य करता है, 200 जूल का ही, तो दोनों द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, समान कार्य किया जाएगा, 200 जूल भी करेगा, 200 जूल भी करेगा, तो कोई महत्व नहीं करेगा। तो लिख रहा है सोल्यूशन, कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, अतः दोनों व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य समान है, दोनों द्वारा कार्य क्या है जी, समान है, तो समान होगा। अब बात करते हैं कि अगर इसमें पूछता क्षमता, क्या पूछता जी, इसमें इसमें पूछा था पावर, अगर पावर पूछता तो क्या होता जी, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो पहले वाले के केस में अगर लेंगे तो PA लेंगे, तो वर्क ए अपॉन टाइम ए, तो इसके द्वारा 200 जूल का काम किया जा रहा है कितने टाइम में जी, तो 10 मिनट में, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ई आ जाएगा पावर। वैसे ही बी के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा जी, वो कितने मिनट, 200 जूल कितने मिनट में कर रहा है, तो 20 मिनट में कर रहा है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ये मेरा पावर आ जाएगा। तो इसमें किसका पावर ज्यादा है जी, तो पावर इसका ज्यादा है, क्योंकि ये कम टाइम में कर रहा है तो इसका पावर ज्यादा है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि पावर किसका ज्यादा होगा जी, इसका ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पावर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे पूछा है कार्य का, इसलिए क्या हो गया है जी, दोनों सेम ही काज किया है। बात करते हैं एनर्जी, देखिए कार्य अगर समझ गए तो एनर्जी भी समझ गए। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होते हैं, अब ऊर्जा क्या होती है जी, विभिन्न प्रकार की होती है। बात करते हैं तो कौन कौन सी है, सूर्य, सूर्य का ऊर्जा है, सोलर सिस्टम है, न्यूक्लियर एनर्जी है,
साउंड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है जी, द्रव्यमान एनर्जी है, मास एनर्जी है। तो ये सब क्या है जी, ये सब बहुत सारे एनर्जी के टाइप है। हम लोग इतने सारे याद नहीं करेंगे, कुछ कुछ इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, और उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल भी देखना क्या है जी, नेसेसरी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मास एनर्जी का। अभी इसमें सामने मास एनर्जी जो दिया था, किसने दिया था जी, ये आइंस्टीन का डिस्कवर किया हुआ बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसने पूरी दुनिया में भी एक, जो आपको कह सकते हैं कि एक माहौल ऐसा क्रिएट किया कि जो एनर्जी क्रिएट करने के लिए बहुत ही सफल प्रयास रहा। तो यहाँ से देख सकते हैं, बोल रहा है कि किस प्रत्येक द्रव्यमान, प्रत्येक द्रव्य मैटर में उसके द्रव्यमान के कारण उससे ऊर्जा संचित होती है। तो इसका मतलब क्या है जी, उसको द्रव्यमान को उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट सकते हैं, कर सकते हैं। किसने बोला था, तो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दिया गया था ये पूछा जाता है, तो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था जी, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दिया था, आइंस्टीन के द्वारा गया था। और इसी फॉर्मूले में ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर क्या है जी, एम सी स्क्वायर। बोल रहा है कि अगर कोई मास है तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई एनर्जी है उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मास एनर्जी सिस्टम है। कौन सा है जी, इसमें एनर्जी और मास में एक रिलेशन बना रखा है। ये किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। तो बोला है नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, अगर आपको नाभिकीय ऊर्जा देखिए कितनी बड़े लेवल पे हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है और जो एटॉमिक एनर्जी है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि हमारे पास मास एंड एनर्जी में जो रिलेशन दिया गया था हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो क्या है जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी है। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक जो जनरेट होता है न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा ही जनरेट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस कितना है। बात करते हैं सोलर एनर्जी की। तो सोलर एनर्जी आप लोगों को पता है, आजकल तो मोदी जी का बहुत सारा प्रोजेक्ट ही चल रहा है सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, छोटे छोटे लेवल से बड़े बड़े लेवल सब प्रोजेक्ट लग रहे हैं। अभी अर्थ ऑफ क्या मिला उनको, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड में भी मिला हुआ, उसमें एक पीएम मोदी को मिला है, और दूसरा किसको मिला है जी, तो केरल का जो सोलर प्लांट है उसी को मिला है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंस है। आजकल सोलर एनर्जी को छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप पे भी दिए जा रहे हैं सब्सिडी वगैरह पे। तो सोलर एनर्जी की तो समझ सकते हैं क्या है जी, सोलर सिस्टम में क्या है जी, सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है, सूर्य ही है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा क्या है जी, परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है, इसका विखंडन और संलयन कर इस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। बोला है इसका विखंडन भी और संलयन भी करके क्या किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन करके क्या किया जाता है जी, ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम आदि बनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी सी अमाउंट में मास जो होता है एक परमाणु बम का, एटम बम का, और क्या आता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। तो किसका है जी, न्यूक्लियर एनर्जी का पार्ट है। तो यहाँ से देख सकते हैं, फिर से बात करते हैं साउंड एनर्जी का। तो साउंड एनर्जी क्या है जी, साउंड एनर्जी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। यदि किसी कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपन के कारण ध्वनि व्युत्पत्ति होती है जिसमें ऊर्जा निहित होती है। तेज आवाज करती हुई वायुयान के गुजरने से कभी कभी घरों की खिड़कियां के शीशे चटक जाते हैं। किसी के बोलने से व्युत्पादित ध्वनि से हमारे कान के पर्दे भी कंपन करते हैं जिससे हम ध्वनि को सुन सकते हैं। देखिए साउंड एनर्जी की बात की जाए तो साउंड एनर्जी एक लेवल तक क्या है जी, हमारे लिए बेनिफिशियल है। एक लेवल के बाद क्या होता है, ये भी हमें प्रॉब्लम करने लगता है। क्या करने लगता है जी, प्रॉब्लम करने लगता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साउंड एनर्जी क्या है जी, इसीलिए साउंड की इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस में गया है, डेसिबल में। आपको भी पता है कि ट्रैफिक में जो ज़्यादा हॉर्न वगैरह बजने की वजह से क्या होता है, ड्राइवर में चिड़चिड़ापन होता है। और भी एनर्जी अगर बढ़ जाएगा, बहुत साउंड लेवल बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, बिजली के कड़कने से क्या होती है, इतनी होती है कि कान के चदरे भी फट सकते हैं। तो ये सब एनर्जी के लेवल है, ये सब कौन से है, साउंड एनर्जी में है जी। और भी एनर्जी है जैसे डीजे वगैरह में, आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, एक लेवल से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो साउंड एनर्जी क्या है जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और क्या होता है, तो वाइब्रेशन ऑफ
एयर मॉलिक्यूल्स होता है, एयर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से होता है, और जिससे क्या होता है, उन्हीं एयर मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो कान के भी क्या होते हैं पर्दे क्या होता है जो वाइब्रेट करता है, जिसके कारण भी क्या होता है हमें सुनाई देता है। तो साउंड एनर्जी हमारे लिए फायदे भी है नुकसान भी है, इट डिपेंड्स ऑन ई अप टू यू कि हाउ कैन यू यूज दिस साउंड एनर्जी। बात करें केमिकल एनर्जी की, केमिकल एनर्जी में बात की जाए तो आपको अभी ट्रेन, अगर रेलवे ने फॉर्म भरा है तो आपको पता है कि रेलवे में बहुत सारे डीसी क्या होते हैं जी, बैटरी सोर्सेज ऑफ केमिकल सेल के, केमिकल सोर्स को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए हमको, सेल चाहिए, बैटरी चाहिए। तो ये केमिकल एनर्जी स्टोर करता है कौन करता है, तो बैटरी करता है। बहुत सारे आपको भी पता है कि ट्रेन के कंपार्टमेंट में के नीचे बहुत सारे बैटरी लगाए रहते हो, क्यों लगाए रहते हो, क्योंकि केमिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो बोला विभिन्न तत्वों का तथा पदार्थों का रासायनिक संयोग और क्रिया से ऊर्जा भी उत्पत्ति होती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, केमिकल एनर्जी कहलाती है। बात करते हैं प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी आज भी देख सकते हैं आपको एलईडी, बहुत सारे योजना चल रखे हैं हमारे गवर्नमेंट द्वारा, तो आप कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी के तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लाइट एनर्जी क्या है जी, हमको लाइट से एनर्जी डेवलेट करना है। बात करते हैं विभिन्न स्रोतों द्वारा सूर्य, दीपक की विद्युत बल्ब आदि से उत्पन्न उत्सर्जित प्रकाश में ऊर्जा निहित होती है, जिससे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। धीरे इससे फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर कुकर, हरे पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। बोला कि लाइट से क्या होता है जी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है जी, जो आपको फोटो वोल्टाइक जो होते हैं, जो आप सोलर सिस्टम में देख रहे हैं वही है। देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टॉपिक में भी हमको पढ़ना है, तो याद रहे फोटो वोल्टाइक जो फोटो वोल्टाइक होता है जी, ठीक है, ऐसा आपको डायोड होता है उसमें क्या होता है जी, ऐसे लाइट जनरेट होती है, उसको फोटोवोल्टाइक लाइट बोला जाता है। तो ऐसा सिंबल से डिनोट किया जाएगा फोटोवोल्टाइक को। तो याद रखें जेनर डायोड, एक आपको अलग अलग डायोड होते हैं, तो उन सब डायोड को पढ़ते हैं, उसी में फोटोवोल्टाइक क्या है जी, डायोड होता है। सोलर कुकर होता है, इसमें सब क्या होते हैं, सोलर कुकर में क्या रहता है जी, सिलिकॉन के मटेरियल लगे रहते हैं, जर्मेनियम के, चांदी के मटेरियल लगे रहते हैं। हरे पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, तो क्या है, लाइट से ही एनर्जी ले रहे हैं, तो क्या है, लाइट एनर्जी है। बात करते हैं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में क्या है जी, हीट एनर्जी भी आपको भी पता है कि हीट क्या है जी, हीट से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर आप दो सतहों को ऐसे अगर रफ करते हैं तो क्या मिलता है जी, हीट मिलता है। तो इससे कह सकते हैं आपको भी पता है ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा हाथों में ठंडी लगने लगती है हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ को दूसरे हाथ से रगड़ते हैं, जिससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो विभिन्न वस्तुओं को जलने और सोलर ऊर्जा को विकिरण, दो सतहों के घर्षण आदि से गर्मी और उष्मा उत्पन्न होती है। बोला है कि घर्षण से क्या होती है जी, उष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए तो हम लोग ठंडे में क्या करते हैं, एक हाथ को दूसरे हाथ से रगड़ते हैं ऐसे, तो रगड़ने से क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। बात करते हैं यांत्रिक, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह की एनर्जी होती है, कौन कौन सी होती है जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता है कि ग्रुप डी में तक पूछा गया है इससे क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 7 स्टार दे सकते हैं। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी आता क्यों है, तो कोई भी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ही तो एनर्जी है जी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और उसका वेलोसिटी क्या है v है, तो उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। m क्या है जी, मास है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। सभी प्रकार की ऊर्जाएं अदिश राशि है, ऊर्जा क्या होती है जी, अदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कोई भी ऊर्जा हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सबका क्या होता है जी, जूल ही यूनिट होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो एनर्जी के फॉर्म भले ही चेंज हो सकते हैं, नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा जी, उसका यूनिट क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इस फॉर्मूला को भी इम्पोर्टेंट है, और अगला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि कोई अगर काइनेटिक एनर्जी है और उसको क्या है जी, मोमेंटम से रिलेशन करना है जी, क्या है जी, मोमेंटम से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मोमेंटम के टर्म में, यानी संवेग के टर्म में, पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी क्या है जी, संवेग है, मोमेंटम है, क्या है जी, मोमेंटम है, एम क्या है जी, मास है, मास मतलब द्रव्यमान है जी, द्रव्यमान है, क्या है जी, मास में क्या है, द्रव्यमान है। तो यहां से देख सकते हैं इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता है कि वेलोसिटी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखिए हाफ एम वी स्क्वायर। बोला है वेग को 4 गुना करना, देखिए वेलोसिटी को,
वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो चार का गुना, चार का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 गुना हो जाएगा। तो 16 गुना हम डायरेक्ट बोल देंगे, हम ऐसे बनाएंगे ही नहीं, इस जो बना रखा है हमको ऐसे बनाना ही नहीं है। अगर पूछेगा कितना गुना बढ़ गया, तो 1 गुना तो था ही जी, 16 गुना हो गया तो 15 गुना बढ़ा है ना, तो 15 गुना बढ़ा है। अगर पूछेगा कितना हो गया तो 16 गुना, लेकिन बढ़ा कितना है तो 15 गुना बढ़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मोमेंटम को क्या किए जी, डबल कर दिए हैं, और द्रव्यमान को चेंज नहीं किया। मोमेंटम को क्या किया जी, डबल कर दिए हैं, द्रव्यमान को नहीं चेंज किए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। पहला किस लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंटम को 2 गुना करेंगे, उसका स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, अपॉन 2m, तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना मिल जाएगा। कितने, 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर मान लीजिए ऐसा बोल दे कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मोमेंटम को 2 गुना कर दिए और मास को क्या कर दिए जी, हाफ कर दिए, मास को क्या कर दिए, हाफ कर दिए पहले से। तो अब देखो, अब हमारे अनुसार फॉर्मूला क्या है जी काइनेटिक एनर्जी का, p² / 2m। मोमेंटम को हमने क्या किया है, 2 टाइम्स किया है, तो p को हमने 2 बार, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। मास को क्या किया है जी, आधा किया है, तो मास की जगह हम क्या करेंगे, आधा लिखेंगे, मास की जगह आधा लिखेंगे, तो 2 किधर चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 गुना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इस सबको ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला था, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है जी, एम है। अब उसका मास क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, और मोमेंटम क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, तो उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने मोमेंटम क्या किया, 2 गुना किया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना। मास जैसे आधा किए तो क्या हो जाएगा, मास नीचे है ना फॉर्मूला में, तो मास को हमने नीचे किया है आधा जी, ठीक है, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा जी, अब जो नया काइनेटिक हो जाए, 8 गुना हो जाएगा पहले से। तो कितना बढ़ा काइनेटिक एनर्जी, तो 7 गुना बढ़ा, लेकिन कितना गुना हो गया, तो 8 गुना हो गया। ये छोटी छोटी लॉजिक है, कंसेप्ट है, इस पर ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बात करते हैं अगला टॉपिक, संवेग है। अगला टॉपिक क्या है जी, संवेग है, हम इसको पढ़ेंगे आगे और डिस्कस करेंगे। अभी तक आप ने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। अगर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप पुराने जो लेक्चर्स हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, तो आप पहले उन सब जाइए, लेक्चर को देखिए और वहाँ से समझिए, क्योंकि डायरेक्ट इस चैप्टर में आने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिनका भी बैकग्राउंड साइंस भी रहा हो, इवन दो ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द बेसिक नॉलेज एंड डीप नॉलेज, इट्स रिक्वायर ऑफ कोर्स डीप नॉलेज, बिकॉज विदाउट डीप नॉलेज यू कैन डू दिस न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज का आइडिया नहीं है तो आप ये न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ तो आप जाएँ और उस सब वीडियो लेक्चर को भी देखें, मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है, प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिसिटी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उन सब भी टॉपिक को जाकर देखें, करेंट अफेयर का प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।